तो फाइनली थिएटर्स में हनुमान रिलीज हो गई है और बेटर कॉल इट हनुमान। अब डेफिनेटली दिस मूवी केम एज इन सरप्राइज क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ थी नहीं, बट मूवी काफी एंटरटेनिंग है। एंड दिस इज अ टाइट स्लैप ऑन आदि पुरुष एंड स्पेशली ओम रावत जिन्होंने 600 करोड़ में, छोड़ो यार अब बोलना भी नहीं मेरे को क्या बनाया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये मूवी का बजट 30 करोड़ एंड 30 करोड़ में जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी है हमें हमारी गॉड की, दैट इज डेफिनेटली वर्थ अप्लॉज। मूवी में काफी सारे सिनेमैटिक से शॉट थे और विजुअली काफी अच्छे तरीके से हनुमान को दिखाया गया है। मूवी का एक हल्का फुल्का सिनॉप्सिस देना हो तो एक काफी पुराना सा गाँव है एंड उसी गांव में हनुमंत करके एक बंदा रहता है। उसकी कोई फैमिली नहीं है, फैमिली के नाम पे उसकी बस इकलौती बहन है एंड इसी रिमोट गांव में उसका एक लव इंटरेस्ट है मीनाक्षी। ड्यू टू सम इवेंट्स इन्वॉल्विंग बैंडिट्स हनुमान एक खाई से गिर जाता है और पानी में जाके टपकता है। पानी में ही गेट्स दिस मैजिकल स्टोन जिसमें हमारे लॉर्ड हनुमान की पावर्स है। स्टोन के पीछे की जो भी हिस्ट्री दिखाई गई है, जितना स्मूथली उसको कनेक्ट किया है वो मुझे काफी अच्छा लगा। अब इस स्टोन की वजह से हनुमान को कुछ पावर्स मिल जाती है जिसके वजह से ही सुपर स्ट्रॉन्ग सुपर फास्ट। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब डे लाइट होती है तभी ये स्टोन काम करता है, रात में ये पावरलेस हो जाता है। मूवी में हमारे साउथ के काफी एक्टर्स हैं जिनका चेहरा तो मैंने काफी बार देखा है, बस नाम नहीं याद आ रहा। इसके अलावा वी हैव अ वेरी क्लीशे सा विलन जो कि बहुत ही ग्रीडी है एंड इन ग्रीड फॉर पावर्स, उसे जानना है कि हनुमंत का सोर्स क्या है पावर का एंड एक बार वो फिगर आउट कर लेता है तो उसे वो स्टोन को हासिल करना है। मूवी का फर्स्ट हाफ डेफिनेटली काफी अच्छा था एंड काफी जगह पे मैं हंसा भी। मूवी में काफी सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई है एंड वो कोशिश काम आती है। सेकेंड हाफ थोड़ा थोड़ा मुझे ड्रैग होने लगा, पूरी मूवी 2 घंटे 40 मिनट की है तो काफी लंबी है। एंड क्लाइमैक्स सीन डेफिनेटली वाज समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एंड काफी जगह पे गूज़बम्प्स मिल जाते हैं। पूरी मूवी में जगह जगह पे जहाँ वीएफएक्स में हल्का फुल्का बजट कटिंग दिख रहा था, एंड में दिख जाता है कि भाई अच्छा खासा वीएफएक्स यूज किया है। इतने कम बजट का ये अच्छा फायदा होता है कि यहाँ पे कोई नोन एक्टर्स नहीं है तो वो कुछ ज्यादा चार्ज नहीं करते। इसी जगह पे मेरी क्रिसमस को लगा लो जिसका बजट 60 करोड़ है, जबकि मूवी में कुछ भी ऐसे हैवी वीएफएक्स शॉट्स नहीं है, सिंपल सा सेट पीस है, सिंपल सी स्टोरी एंड सिंपल सा डायरेक्शन है। बट जब तुम विजय सेतुपति और कटरीना कैफ जैसे वेल नोन एक्टर्स को लोगे तो आधा बजट तो उनकी सैलरी में चला जाता है। ये मूवी देख के आई एम लाइक व्हाट द फक, 600 करोड़ अगर ओम रावत के बदले किसी और डायरेक्टर को दिए होते एंड वो डिसाइड करता कि हम पूरी मूवी को वीएफएक्स में नहीं लिटरल प्लेसेस पे जाके शूट करेंगे, लिटरली बॉलीवुड में ही नहीं वर्ल्ड वाइड एक ऐसी मूवी निकल सकती थी भाई जो ग्लोबली प्रेज की जाती, परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रामायण 600 करोड़ में, जो तुम अपने बच्चे को दिखा के बोल सकते हो कि दिस इज रामायण। वेल रात गई बात गई और पास्ट पे भी ड्वेल करके कोई फायदा नहीं है। आई होप ये मूवी डेफिनेटली आने वाले फिल्म मेकर्स के लिए एक इंस्पिरेशन हो कि भाई तुम कम बजट में भी एक अच्छी खासी मूवी बना सकते हो। अगर के ड्रामा में इंटरेस्ट है, कुछ हॉरिफाइंग ज़ॉम्बी टाइप के ड्रामा देखना है तो यहाँ पे देख लेना। बाय।